बस देश की सेवा करनी है। ऐसा तो प्लेनेट दया बनाना पड़ेगा जहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग रहते। सुबह के 6 बज चुके हैं और सभी बच्चों का उठने का समय हो गया है। इस बिग बॉस के घर में यह नियम है कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों को अपने अपने बिस्तर स्वयं समेटने रहते हैं, उनको व्यवस्थित स्वयं करना रहता है। इन सब के पश्चात इनका अगला टास्क यह रहता है कि इनको नियमित दिनचर्या पूरी करने के बाद प्रातःकालीन योगा के लिए तैयार होना रहता है। सुबह जिनकी क्लासेस होती है वो बच्चे जल्दी तैयार होकर कोचिंग के लिए निकलते हैं और साथ में अपने टिफिन लेकर जाते हैं ताकि वहां जाकर वो अपना ब्रेकफास्ट कर सकें। जो स्टूडेंट्स यहां रहते हैं उनको तैयार होकर 8 बजे लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी के लिए आना होता है, जहां पर हेल्प के लिए टीचर्स उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। क्या नाम है आपका? अभिमान। और कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। अभिमान बहुत छोटे लग रहे हो अभी, कौन सी क्लास में? अभी नाइन्थ क्लास में यहाँ पर आ गए आप। अच्छा, यहाँ पर रह रहे हो आप, तो यहाँ पे जैसे कि मम्मी पापा की याद आती है? नहीं आती? आती है। आती है, तो फिर कौन कैसे सेटिस्फाई होते हैं, मतलब कौन बात करता है आपसे, उनकी कमी कैसे दूर करते हो? ऐसे कुछ बुक पढ़ के या फिर गाना सुन के या फिर किसी बात करके दोस्त से या फिर ये इसकी पढ़ाई की बुक पढ़ के ऐसे। मैम वगैरह जब यहाँ रहते हैं तो कैसे सपोर्ट करते हैं? अच्छा, मतलब अगर कुछ डाउट हो तो मतलब मैम सपोर्ट करते हैं, मतलब आप कभी भी जाओ बोलो डाउट है मैम, वो कुछ भी काम कर रहे हो मैम पहले डाउट सॉल्व करेंगे फिर दूसरी चीज़ें। अच्छा, जो मैम है अपने वंदना मैम, तो वो कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? वो भी पढ़ाते हैं कभी कभी, मतलब बीच बीच में आते हैं चेक करते हैं क्या होमवर्क है, क्या नोट्स बनाए हैं बच्चे ने या फिर कुछ वाइवल लेगी ऐसे कुछ सब कुछ। अच्छा, तो यहाँ आके अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मम्मी पापा से दूर रह रहा हूँ, लेकिन ठीक है। ड्रीम क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं? मुझे NDA करना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, मुझे वहाँ पे डॉक्टर बनना है, तो बस देश की सेवा करनी है। अच्छा। जब सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में होते हैं तो उस समय उनके रूम की सफाई होती है और उसी दौरान उनके लिए किचन में नाश्ता भी तैयार किया जाता है। नाम है आपका? शुभांशु कुमार। शुभांशु कहाँ से हैं शुभांशु आप? मैं मुंबई से। मुंबई से, तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताओ मेरे को कि इस हॉस्टल में रह के आपको कैसा फील हो रहा है?
मैं इस हॉस्टल में पिछले 2 साल से हूँ और ये हॉस्टल बाकी किसी हॉस्टल से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि बाकी किसी हॉस्टल में ऑलमोस्ट इतना ही पे कर रहे होते हैं, इससे थोड़ा कम पे कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट इसमें यह है कि उसमें सिर्फ हम पे कर रहे होते हैं रहने खाने के लिए और फिर कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है साथ में जो सर का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ एक कंपल्सन है, रेस्ट्रिक्शन है, बट वो रेस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा होता है, थोड़ा सा एक टाइम के लिए लग रहा होता है यार थोड़ा फ्री होता तो अच्छा होता, लेकिन जो साथ में सर रहते हैं पीछे पढ़ते हैं अभी के लिए थोड़ा दिक्कत लगेगा, बट बाद के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा पहली चीज़, और दूसरा यहाँ पे किसी हॉस्टल वाला फीलिंग नहीं रहता है, मैम जैसे तबीयत ख़राब हुआ घर पे मम्मा जैसे साइड में आके बैठ रही होती है, यहाँ पे मैम रहती है, कुछ गलत किया तो हाँ पहले डांटना फिर साथ देना, उसमें सर एक मतलब एक फादर की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, कभी बच्चा परेशान है कभी ध्यान रखना, आज कभी अगर कुछ अच्छा खाने का मन कर जाता है तो उसको मतलब जैसे घर पे मम्मा को बोल देते हैं, मैम को यहाँ बोल दो कि मैम आज ये खाने का मन है बना दो ना प्लीज़, तो ऑन स्पॉट चलो माँ तो नहीं है उस दिन तो नहीं बनाएगी, एक दो दिन के अंदर वो चीज़ देखते बन जाता है, फिर पढ़ाई में यहाँ पे जितने सारे टीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा कि 40-45 बच्चे, पहली बात तो इनका ध्यान रखना इतना मुश्किल होता है, लेकिन हमेशा वो पीछे पीछे लगे रहेंगे, तुम्हारा क्या हुआ तुम्हारा क्या हुआ, वो क्यों एफर्ट डालें, उनको तो कुछ उनको मिलने, लेकिन स्टिल वो जिस तरह पीछे हमारे पीछे लगे रहे होते हैं, एक समझ आता है कि ये बाकी हॉस्टल से एक डिफरेंट सा जगह है, ये हर एक स्टाफ जिस तरह हमारे पीछे लगा रहता है, स्टाफ क्या हम कोई हमें उठाने जाता है हम तो गाली कर रहे होते हैं कि यार क्यों उठा रहे हो क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन स्टिल वो जिस तरह हमें लगे कि पढ़ने बैठ जाओ, उनको क्या मिल रहा है हमारे पढ़ने से कुछ नहीं मिल रहा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे कॉमन देखी है कि गर्ल्स और बॉयज एक साथ पढ़ाई करते हैं, तो इससे आपको कैसे हेल्प मिलती है एक दूसरे को? पहली बात तो क्या है जैसे सारे हॉस्टल में, क्योंकि देखो जो बाहरी वाले जो नॉर्मल हॉस्टल कर रहे होते हैं बॉयज़ हॉस्टल अलग गर्ल्स हॉस्टल अलग, क्योंकि अभी उनकी थिंकिंग यही है कि गर्ल्स हॉस्टल अलग कर दो गर्ल्स सेफ रहेंगी, बॉयज़ हॉस्टल अलग कर दो बॉयज़ की मस्ती अलग रहेगी, लेकिन इन्होंने वो चीज़ नहीं किया, उन्होंने ये रिस्क लिया, उन्होंने इस चीज़ का रिस्क नहीं बोल सकते, उन्होंने अपने थॉट्स को और ब्रॉड माइंडेड किया, ये किया साथ में सबको रख रहे हैं साथ में, रहने से आप ये रहता है कि आप पहली बात तो क्या आपके लिए कि अजूबा नहीं होती कि लड़की एक अजूबा है जानना है लड़की क्या है, या लड़कियों के लिए लड़के अजूबा नहीं रह जाते, सब साथ में रह रहे तो आपको एक रहने का तरीका मालूम होता है कि आप किसके साथ रह रहे हो कैसे बिहेव करना है, जनरल एटिकेट्स मालूम होते हैं, और डाउट ऐसा तो है नहीं कि लड़के सिर्फ तोप मारेंगे या लड़कियां मारेंगी, तो साथ में अगर आप रह रहे हो तो पहली बात आप में ये भी एक चीज़ आती है कि आप सामने वाले को भी अच्छा करते हुए देखो, सामने वाला अगर कुछ अच्छा कर रहे तो आप उससे सीखो। तो अब लंच का समय हो गया है और सभी स्टूडेंट्स के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर लंच के लिए आ चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स मैम की देखरेख में लंच कर रहे हैं। तो अभी हम हैं जो इस घर के जो बिग बॉस है इनका इसमें जो सुपरविजन करते हैं उन मैम के साथ, तो मैम वेलकम आपका, इस घर को आप मैनेज करते हैं, तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको एक बार बताइए कि इसमें किस तरीके का क्या क्या इवेंट्स होते हैं और क्या क्या इसमें यूनिक फीचर्स है आपके पास? देखिए कोटा में क्या है हॉस्टल्स बहुत एक आम सा शब्द है, मतलब हर आदमी जानता है कि हॉस्टल क्या होता है, बस जब मैं यहाँ पे हम लोगों ने इसको शुरू किया तो इन्हीं मतलब ये सोचती कि हॉस्टल ऐसा इस बच्चे को लगे कि वो अपने घर में रहता है, अब जब बच्चा अपने घर में रहता है तो हर घर की ना अपने कुछ नियम होते हैं, बस वो नियम अपने हमने हमारे टीचर में ऐड कर रखे हैं, जो सुबह उठने से लेके रात के सोने तक। अच्छा, कुछ ऐसे यूनिक जो रूल्स है जो आप मतलब कि अदर हॉस्टल से अलग रहता है यानी कि, तो वो आप अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दो। देखिए उठने से की बात है, जैसे सुबह मॉर्निंग में उठना होता है तो हॉस्टल में उठे ना उठे नो वन इज बॉदर, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे तक उठना है, मानी उठना है हर बच्चे को उठना होता है, क्लास को मॉर्निंग की या नहीं मतलब उठना है, उसके बाद आधा घंटे का एक उनका एक्सरसाइज वाला पार्ट होता है जिसमें वो कुछ भी करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है हेल्थ से रिलेटेड बात होती है, उसके बाद वो उन्हें 8 बजे तक तैयार होकर क्लास में नहीं जा रहे हैं तो भी ऐसे ही तैयार होना है कि वो क्लास के लिए ही जा रहे हैं और अपने रूम से बाहर आ जा रहे हैं, हमारा एक अपना स्टडी एरिया है वहीं तो उसी स्टडी जोन में आपके उन्हें पढ़ना होता है और वहाँ पे हमारी अपनी टीम है टीचर्स की PCMB और छोटे बच्चों के इंग्लिश की भी, तो वो सारे टीचर्स वहाँ होते हैं उनकी प्रेजेंस में उन्हें पढ़ना होता है, हर टीचर आते ही पता करता है कि आज मैं क्या पढ़ रही हूँ, सपोज मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं बताऊँगी कि मैंने आज ये क्लास में ये टॉपिक पढ़े, तो उसके नोट्स चेक होंगे, उसके बाद उसकी शीट पता करी जाएगी कि अच्छा शीट मिली है कि नहीं मिली है, मिली है तो उसने कितनी लगाई और इसे कितना समझना है, ये रोज होता है। हमारा घर तो क्या है बड़ा नियम वाला है कि मोबाइल भी ले रखा है, खेल इवन हमारे यहाँ से जो भी एक्टिविटी होगी अगर हम जाते हैं तो सब साथ एक साथ जाते हैं, बाहर आउटिंग होगी तो एक साथ होगी, मूवी जाएंगे एक साथ जाएंगे, सब कुछ साथ होता है, तो और सारे इनके फेस्टिवल्स हम साथ मनाते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और हर बच्चे की बर्थडे पूरा दिन उसके नाम से होता है, वो सुबह हमें बता देता है कि मैं आज ये खाना चाहूँगा
ये बनना चाहिए, तो सारा दिन उसके हिसाब से शेड्यूल होता है। जैसे घर में मम्मियां करती हैं कि कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे प्रॉपर हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं अभी अभी ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें बच्चे यहाँ पर आते हैं कोटा में, तो पेरेंट्स से तो दूर हो जाते हैं, और अभी मोबाइल एक ऐसा खतरनाक वेपन बन गया है कि बच्चों का मतलब मोस्टली टाइम इसमें खत्म हो जाता है। तो इसको लेकर आप यहाँ पर क्या रूल्स है? हमारे यहाँ तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों अलाउड है, मोबाइल तो बिल्कुल ही नहीं है। सप्ताह में 3 दिन पेरेंट्स से बात करने के लिए मोबाइल में उनका रूल्स है, पेरेंट्स उनसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर, बच्चा भी 24 घंटे कभी भी कम्युनिकेट कर सकता है। उसका स्मार्टफोन उसको आधा घंटे के लिए वीक में 3 बार दिया जाता है और संडे को 1 घंटे देते हैं उसमें। फिर वो पेरेंट्स से बात करे या कुछ मस्ती करना चाहे, गेम खेलना चाहे, यूट्यूब देखे, वॉट एवर दे वॉन्ट, देखें और 1 घंटे के लिए मिलता है। तो ये मोबाइल मतलब सीन ही नहीं होता उसके पास। और जब यहाँ से जाता है तो हर बच्चे के पास एक कीपैड कॉल होता है, वो है, वो भी उसे लेके जाने के साथ ही वो लेके जाता है। और आते वक्त जब क्लास से घर लुटता है जिस बच्चा घर आ गया तो उसे हमारे पास हैंड ओवर कर देता है, तो मोबाइल होता ही नहीं। और लैपटॉप पर अगर उसे पढ़ना है तो वो भी टीचर्स की प्रेजेंस में पढ़ना होता है, और उसकी स्क्रीन इस तरह से होती है कि वो हमें दिखनी चाहिए, ये नियम बनाया हुआ है। सबसे यूनिक फीचर है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों एक साथ रहकर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना और इसको इसका सुपरविजन करना किस तरीके से पॉसिबल होता है? हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, लोगों को बड़ा सरप्राइज होता है, अच्छा एक साथ कैसे रहते हैं, पर ऐसा तो प्लेनेट दया बनाना पड़ेगा जहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग रहते हैं। मैं तो इस बात को मन के चलती हूँ, क्योंकि हम उनको अलग क्यों पढ़ना है, उन्हें साथ रह के पढ़ना सिखाए, उन्हें साथ रह के अच्छे से कैसे पढ़ना है ये क्यों नहीं सिखा। मेरी बेटी भी तो रहती है, बेटा भी है, बेटी भी है, दोनों भी तो रहते हैं, तो फिर बाकी बच्चे क्यों नहीं रह सकते? लड़कियाँ हमारे साथ हमारे फ्लोर पर रहती हैं, हम लोगों के साथ मेरे और उनके साथ, बाकी बच्चे नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। और आप मानेंगे नहीं इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, वो दीदियाँ हैं कुछ बच्चों के लिए, बड़ी बहन का रोल प्ले करती है हर त्यौहार में, वो इतना बढ़िया सेलिब्रेट करती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है कि लड़के लड़के साथ रहे। अच्छा, एक यूनिक फीचर तुमने देखा है जैसा कि आप कैमरा, जैसे आपने बोला कि कैमरा पेरेंट्स वगैरह देख सकते हैं, तो इसका क्या क्या सीन है इसका? देखिए, हमारे यहाँ पे हर हिस्से में कैमराज लगे हैं, वो उसका सुपरविजन वो बच्चों को भी पेरेंट्स को भी लिंक दिया हुआ है, वो 24 घंटे हमें देख सकते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ बैठ के पढ़ रहा है, कहाँ खाना खा रहा है, किचन में क्या बन रहा है, कहाँ जाके छत पे कैसे खेल रहा है, क्या नहीं कर रहा, गेट पे से गया नहीं गया, तो 24 घंटे की मॉनिटरिंग हमारे अलावा 50 बच्चों के पेरेंट भी कर रहे हैं। मतलब 50 नहीं, हम ही नहीं, 51 चौकीदार हैं बच्चों के। ये मान के चलते हैं। थैंक यू मैम हमसे सारी जानकारी साझा करने के लिए। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में कोचिंग नहीं जाते हैं उनकी क्लासेस इवनिंग में होती है, और ये सभी स्टूडेंट्स अब यहाँ से अपनी अपनी कोचिंग के लिए निकल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में क्लास करने गए थे अब उनको बिग बॉस के घर में टास्क मिलता है कि वो लाइब्रेरी में आकर उनका होमवर्क पूरा करें और साथ में सेल्फ स्टडी करें। ये सारा काम वो अपने यहाँ पर उपस्थित टीचर्स की देखरेख में करते हैं। यदि उन्हें कोई डाउट होता है तो यहाँ पर इनके हर सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल रहते हैं जिनसे जाकर वो डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इनसे हम बात करके देखते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह कैसा है। कहाँ से हैं आप? हरियाणा। हरियाणा से अभी इस हॉस्टल में रह रहे हैं आप, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है और कैसा माहौल मिल रहा है आपको? काफ़ी अच्छा माहौल है और पढ़ाई काफ़ी अच्छे से होती है। अच्छा, जैसे टीचर्स भी आपके यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं तो इनसे क्या बेनिफिट मिलता है? डाउट्स क्लियर हो जाते हैं साथ के साथ जो हमें लेने होते हैं। यहाँ के जो यूनिक फीचर्स है जैसे कि मोबाइल आपको रखने नहीं देते, तो इससे डिस्ट्रैक्शन से अच्छी बात है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, आप सेटिस्फाई है, मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, स्टार्टिंग में यहाँ पे आए होंगे तो इच्छा तो हुई होगी मोबाइल वगैरह? हाँ, थोड़ा तो होता है कि क्योंकि घर से आते हैं, घर पे ऑब्वियसली सब फोन चलाते हैं काफ़ी, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्शन कम हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मैम वगैरह है, पूरा स्टाफ है, तो इस ये कैसे हेल्प करते हैं आपको? कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे जाके डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी मिलता है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीश है। आप यहाँ पर कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? अराउंड 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है, तो 1 साल यहाँ पर रहते हुए आपको हो गया, तो यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो आपको किस तरीके से हेल्प करता है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए कोटा में तो बच्चे आते हैं और गलत राह चले जाते हैं, और यहाँ पे जैसे यहाँ सर मैम है हमारा ध्यान रखते हैं, वो लोग पढ़ाने के लिए मॉनिटरिंग होती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आके आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट में जैसे आप यहाँ पर आए थे तो उससे के बाद से आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है या क्या है? हाँ जी, लास्ट ईयर मेरे 300 क्रॉस नहीं होते थे मार्क्स, और मैं 300 से 350 बीच में रहता था मार्क्स, पर इस साल 12th में इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं 580 मार्क्स ला पा रहा हूँ। अच्छा, 580 मार्क्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा है अभी, और अभी 12th में हुआ आप, नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है 2023 में। हाँ जी, ठीक है, क्या सोच रखा है नीट के लिए? बस फोड़ना भी है और अच्छे से अच्छी रैंक आ सके ताकि घर वाले खुश हो जाएं। अच्छा, घर वाले खुश हो जाएं। अच्छा, ये बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप रह रहे हो अकेले, मतलब अकेले तो क्या, एक फैमिलियर तरीके से यहाँ पर रह रहे हो, तो जैसे मैम है
और यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि घर का खाना जैसा, मतलब आपको घर के जैसे ट्रीट किया जाता है, तो अदर हॉस्टल से ये कैसे यूनिक है? अच्छा, यहाँ पे बाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपको इफेक्ट होता है, कभी कभी गुस्सा आता है? मुझे उतना तो नहीं आता है, जैसे मैं क्लास 7 से बोर्डिंग में रहा हूँ, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे भी हमें फ़ोन नहीं दिया जा रहा था, घर से बात नहीं होती थी, हम घर से दूर रहते रहे, और खाना भी बहुत मतलब एवरेज क्वालिटी का करता रहा। यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा है, उतना फाउंडेशन ज़रूरी भी होता है अगर आपको निकालना है नीट या फिर जेई। अगर 2-3 साल आप आराम से बैठ के थोड़ा सा पढ़ लेंगे और निकाल लेंगे, उसके बाद आप जब चाहे फ़ोन चला सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में अब यहाँ पे आपका फ़ोन की बात कर रहे हैं जैसे, तो फ़ोन एक तरीके से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है भी जो बच्चे यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं, तो आप फ़ोन से दूर कैसे रह रहे हो? स्टार्टिंग में आए थे तो आदत तो बहुत अच्छी लगी होगी आपको फ़ोन चलाने की, लेकिन यहाँ आगे कैसे कंट्रोल किया? ये है कि अगर आप मतलब और चीज़ों ध्यान, जैसे खेलने में ध्यान दे देंगे, दोस्त उनसे बात करने ध्यान देंगे, तो वो धीरे धीरे आदत हो जाती है। जैसे एक हफ्ता लगेगा कि फ़ोन चाहिए, फिर अगले हफ्ता लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो मुझे तो 7 से आदत लगी हुई है कि फ़ोन लेना ही नहीं है। अच्छा, बस ये कि जैसा कि फ़ोन सामने रखा है तो फ़ोन लेने का मन करता है, वैसे फ़ोन लेने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो फाइनली अब हम बिग बॉस जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो उनसे आपको मिलाने जा रहे हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो वेलकम आपका। थैंक यू, आपके चैनल पे आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सर नीलेश सर, आपको काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं, काफ़ी फॉलोइंग है आपकी। मैं सबसे पहले, मेरे दिमाग में जब मैं यहाँ पे आया, एक ये देखा जब आपका हॉस्टल, तो एक ही बात दिमाग में आई कि बिग बॉस है ना, तो ये बिग बॉस वाला आइडिया सर आया कहाँ से इस हॉस्टल को लेकर? अच्छा, मैं बिग बॉस से बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं हूँ, ठीक है। मैंने मतलब उसके नेगेटिव कमेंट जाना पड़े, तो हम लोग बेसिकली ये बिग बॉस नहीं है, मतलब एक जैसे ना आप अपनी फैमिली में रह रहे होते हैं, तो पेरेंट्स का जो काम होता है ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि पेरेंट्स आपकी लाइफ में एक अलार्म क्लॉक का काम करते हैं ना। अलार्म क्लॉक का पर्पज़ यही होता है कि आपकी गहरी नींद से आपको उठाना। तो हम बच्चों को अपने यहाँ पर एक गहरी नींद से उठाते हैं रोज, चाहे वो रात में सोने वाली बात हो, चाहे पढ़ाई करने वाली बात हो, चाहे लाइफ स्किल्स वाली बात हो, चाहे एक डिसिप्लिन फॉलो करने वाली बात हो, हम उनके जीवन में एक अलार्म क्लॉक की तरह उनको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि तुम किस काम के लिए यहाँ पर आए हो। तो हमारा रोल यही है बस। अच्छा सर, हमने देखा पूरे दिन यहाँ के जो यूनिक फीचर्स हैं वो मतलब अदर हॉस्टल से या अदर रेजिडेंशियल जो भी है उनसे बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं इसको, तो ये यूनिक जो फीचर्स है, तो आप जो बच्चे हैं, जो व्यूवर्स वगैरह हैं जो यहाँ पर नहीं रह पा रहे अभी, जिनको पता नहीं है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, किन चीज़ों का अवेयरनेस रहनी चाहिए उनको कोटा में आकर? देखिए, कोटा में आके बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी रहें, कोई ज़रूरी नहीं आप यहाँ रहें, आप कोटा में, इंडिया में कहीं भी किसी भी पार्ट में रहें, अगर आप स्पेशली आप IIT या नीट की जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो एक लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में डिसिप्लिन आने के लिए टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो जिसको हम बोलते हैं ना परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो क्लास अच्छी तरह अटेंड करें, क्लास वर्क अच्छी तरह से नोट करें, होमवर्क जो टीचर दे रहा है उस होमवर्क को घर पर आकर रिवाइज करें, रोज़ अपना काम करके लेके जाएँ, ताकि आप अगले दिन की क्लास के लिए आप प्रिपेयर होकर जाएँ। और अगर आप ये काम कर लेते हैं, वो ये काम कहीं भी रह के करें, आप घर में रह के करें, कोटा में रह के करें, किसी भी हॉस्टल में रह के करें, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आप अपनी मंजिल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर रही है बिल्कुल, और मेरे नहीं हर कोई यहाँ पे, हमने एक इन्वायरमेंट देखा नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ रह रहे हैं यहाँ पे आपके साथ में, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं आप, और ये मतलब ये क्या फीचर है आपका? अच्छा, मतलब बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था ये इतना बड़ा कभी प्लान नहीं किया गया था। हमने जब घर बनाया था तब कुछ स्पेसिफिक छोटे कम बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे प्रोजेक्ट बढ़ता गया। तो देखिए, जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में ब्रदर सिस्टर साथ रहते हैं, वैसे बहुत बड़ा घर है जिसमें ब्रदर सिस्टर साथ रहते हैं, और उसके अलावा कुछ सेपरेशंस हैं हमारे, जो गर्ल्स का जो रेजिडेंस है वो हमारे अलग फ्लोर पर है, बॉयज़ का रेजिडेंस अलग फ्लोर पर है। तो चूँकि हम पूरी फैमिली हमारी साथ में रहती है, इसलिए इस तरह के कभी इश्यूज़ नहीं आते, बल्कि बच्चा एक जनरल सेंसिटिविटी को सीखता है जी।
है ना, कि जेंडर अपोजिट जेंडर से किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से डाइनिंग एटिकेट्स होने चाहिए, किस तरह से टॉकिंग एटिकेट्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों को बच्चा सीखता है अगर अपोजिट सेक्स के साथ एक 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 जगह आप सर्वाइव करते हो तो। अच्छा सर, एक एक फीचर मेरे को यहाँ पे और बड़ा ज़बरदस्त लगा, जो कि आजकल के जो युवा स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता, तो इसके बारे में बच्चों को क्या अवेयरनेस आप बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई भी ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करेंगे या मोटिवेशन सेशन अटेंड करेंगे तो वहाँ पर बोला ये जाता है कि आप अपना स्मार्टफोन घर भेज दीजिए जी। और क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये बहुत टफ लाइन बोल दी आपने, हमारे तो नोट्स आते हैं, हमें कुछ कोई डाउट उनको हैंडल करना होता है, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना होता है। मैं मानता हूँ कि स्मार्टफोन आपकी स्टडीज में कुछ हद तक शायद कुछ काम आ जाए, लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा है। और वो होता ना कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूट होता है तो हम हमेशा उसकी तरफ जाते हैं, तो हम कभी बोर हो रहे हैं तो हम स्मार्टफोन पे चले गए, फिर स्मार्टफोन पे आप इधर से उधर कहीं निकल गए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप कौन सी दुनिया में चले गए। उसकी जगह आप एंटरटेनमेंट के दूसरे साधन लीजिए, बुक्स पढ़िए, खेलने जाइए, दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए, गप्पे कीजिए, मारिए, घूमिए फिरिए। और कहीं पर एकेडमिकली अगर आप अटकते हैं जहाँ पर आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है, तो हर टीचर, हर कोचिंग में आजकल डाउट फैसिलिटीज़ होती है, टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनकी हेल्प ले लीजिए। हर कोचिंग में कंप्यूटर लैब्स होती है, अगर आपको जाके वहाँ पर कुछ यूट्यूब पर पढ़ना है या आपको ऑनलाइन कुछ पढ़ना है तो आप उसका सारा ले सकते हैं, आप साइबर कैफे भी जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल स्मार्टफोन आपके पास है तो वो जो कंफर्ट है, वो अगर आपके हाथ में वो कंफर्ट है तो उस कंफर्ट का मिसयूज होना लाजमी है। तो इसलिए हमने बाय डिज़ाइन रांझा के अंदर में स्मार्टफोन्स नहीं रखे, लेकिन हालांकि हमने दूसरे ऑल्टरनेटिव बच्चों को ऑप्शन दिए, हमने पूरी की पूरी एक आपने देखा लाइब्रेरी बना रखी है जहाँ पर पूरा वाईफाई है, तो बच्चा वहाँ बैठ के लैपटॉप पे यूज़ कर सकता है और हमारे जो सुपरविजन होता है वो पूरा वहाँ पर रहता है ताकि बच्चा कोई और गतिविधि नहीं कर सके, जिस पर्पज़ के लिए आया उसी पर्पज़ पर फोकस होकर कर सके। और जब उनको इसके लिए टाइम मिलता है, संडे को अगर आप आते कल तो बच्चों की मूवी चल रही थी बहुत शानदार, तो उस समय मस्ती का टाइम भी होता है, लेकिन छः दिन हम बच्चों को यही कहते हैं कि आपको एक डिसिप्लिन में पढ़ना है, एक फोकस होकर पढ़ना है, तो बाई डिज़ाइन से ये मोबाइल फ़ोन जो है विड्रॉ किया गया है। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा मौका भी आता है जब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते या इतनी बाउंडेशन से यहाँ पर होती है तो वो सहन नहीं कर पाते, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? देखिए, बहुत रेयरली कभी कभी ऐसा होता है और इसमें पेरेंट्स का बड़ा कॉपरेशन चाहिए होता है, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। और आप देख रहे हैं कि हम कैंप कोटा कोचिंग हब से कितना दूर है, आपने आए होंगे तो 5 से 6 किलोमीटर दूर हमारा कैंपस चल रहा है, और उसके बाद भी आपने देखा है कि कितनी डिमांड है, कितनी जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट तो पसंद आ रहा है पेरेंट्स को, बच्चों को भी कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है। और अगर आप ये जो बच्चे इतनी बाउंडेशन में रह रहे हैं, अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि आप कोटा के किसी नॉर्मल हॉस्टल में जाना चाहेंगे तो आपको खुद को आंसर समझ में आ जाएगा। नहीं, हमने पूछा है सर बच्चों से, बहुत सेटिस्फाइड है बच्चे यहाँ पर, तो वो इतनी बाउंडेशन में रहने के बाद भी उनको मालूम है कि इसके फ़ायदे भी हैं, है ना। कभी कभी मन में टिशक उठती होगी, यार मैं शायद वहाँ रह रहा होता, लेकिन जब वो लॉन्ग शांति से बैठ के सोचते हैं उनको फ़ायदे नज़र आते हैं, और फिर अपने आप एंटरटेनमेंट के दूसरे साधन हैं उनके लिए जी। है ना, तो आज हमारे पास अपना खुद का म्यूज़िक रूम है जहाँ बच्चे बैठ के म्यूज़िक बनाते हैं, ठीक है ना, स्पोर्ट्स रूम है, इंडोर स्पोर्ट्स रूम है, हमारे पास खुद की लाइब्रेरी है, हम बच्चों को स्विमिंग लेके जाते हैं, क्रिकेट खिलाने ले जाते हैं, फुटबॉल खिलाने ले जाते हैं, ये सारी रोज़ उनका आपने देखा है एरोबिक्स होती है, जिम एक्सरसाइज होती है, तो बच्चा पूरा दिन भर एक बिजी रहता है। और मुझे लगता है अगर आप पूरा दिन भर बिजी रहते हो तो शाम को रात को नींद आता है आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, बहुत संतुष्टि वाली नींद आती है। सर, मैं एक जानकारी ये भी लेना चाहता हूँ कि यहाँ पर बच्चे जो रह रहे हैं तो एक जो दूसरे हॉस्टल्स हैं इनमें तो जो बच्चे रहते हैं वो एकदम उनको डिसिप्लिन उनका मेंटेन करने वाले कोई नहीं होते, यानी कि डिसिप्लिन के बारे में बताने वाले कोई नहीं होते, यहाँ पर आप कैसे हैं उनका डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं? और दूसरा, एकेडमिक में मैं यहाँ पे जानकारी लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या यूनिक फीचर्स है एकेडमिक को लेकर? देखिए, मैं पहले एकेडमिक वाले क्वेश्चन में जवाब देता हूँ। अब मैंने जो शुरू में बताया था कि अगर बच्चा अपना रोज़ क्लास वर्क कर ले, रोज़ होमवर्क कर ले, तो उसको कोई और किताब की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम चल लेता है। और हमारा इंश्योर ही होता है, हमारे पास खुद की अपनी टीचर्स की टीम होती है जी। मैं खुद भी ऑफिस आने के पहले, ऑफिस जाने के पहले और ऑफिस आने के बाद बच्चों की एकेडमी मॉनिटरिंग करता हूँ, तो रोज़ बच्चा अपना होमवर्क कर रहा नहीं कर रहा, वी इंश्योर दैट वी हैव आवर ओन टीम ऑफ टीचर्स। कोचिंग में बच्चे का महीने में एक बार टेस्ट होता है या 21 दिन में एक बार टेस्ट होता है, हमारे हर संडे को बच्चे का टेस्ट होता है ताकि वो बिल्कुल अप टू डेट रहे। तो हम इस तरह से एकेडमी मॉनिटरिंग करते हैं। आपने सुना हो कि कोचिंग के अंदर पीटीएम्स होती है, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा हॉस्टल में पीटीएम होती है। हमारी महीने में एक बार पीटीएम होती है। हम बच्चे के जो इंटरनल टेस्ट लेते हैं उसकी रिपोर्ट पेरेंट्स को भेजते हैं, हम पेरेंट्स के साथ टीचर्स मीटिंग करते हैं और हम बच्चे का ट्रू फीडबैक देते हैं। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती जब डिसिप्लिन की बात आती है कि बच्चे को हमने डांट दिया, टोक दिया, तो वो हॉस्टल चेंज कर लेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम उस बात की चिंता नहीं करते, बिकॉज हम पेरेंट्स के ट्रस्ट के लिए हैं यहाँ पर। उसके लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, हमें बच्चों को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, टाँकना उनको होता ना, टोकना भी पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, है ना, ज़रूरत पड़ती है तो कान भी खींचने पड़ेंगे उसके, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट पर हमारे साथ बच्चों को भेजा है, और अगर हम उसको उस डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे
तो फिर उसको फिर यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपने घर पे अच्छा था जी। तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है पेरेंट्स का, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आते हैं। और बच्चों को भी लगता है, शुरू शुरू में बच्चों को अजीब सा लगता होगा कि मेरे कान खींच लिए, मेरे को डांट पड़ गई, लेकिन धीरे धीरे से बच्चों को लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, तो उसकी फिटनेस में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो बच्चा अपने आप को बेटर कंडीशन पाता है और वो उसको बहुत पॉजिटिव में लेता है। तो फाइनली हमने आज आपको जो करंजा हॉस्टल है वो दिखाया, और सर का बहुत अच्छा यूनिक, एक तरीके से यूनिक आइडिया है, और उसको ये इसको प्रोसेस भी कर रहे हैं, हमने भी इसको देखा। वास्तव में जितनी भी चीज़ें हमने सुनी थी वो 100% यहाँ पे श्योर मिली है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बिग बॉस से हमने आपको मिला दिया, ऐसा घर है जहाँ पर यानी कि लड़के लड़की एक साथ रह रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, मेन पर्पज़ के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा यूनिक फीचर है। और यहाँ की जो केयरिंग है सर हमने देखी है, मैम भी केयर करती है, आप भी केयर करते हैं, हम आज पूरे दिन यहाँ पर ही थे तो सारी चीज़ें हमने देखी है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।